हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं टॉपिक और आज हम बहुत दिनों बाद एक और न्यू ब्लॉग लेके आ रहे हैं जिसमें आज कुर्बानी के दिन हम बकरे का मीट और मटन कोरमा बनाने वाले हैं उसके मटन। और ये मटन के पीस में हमारे पास है ये बकरे का अगला पहिया मतलब कि पैर, और ये है यहाँ पे चाप। और इसमें अगले इसमें हमने इस कटोरे में अभी देख लिया कि इसमें गोंडा करीजी रखी हुई है और इसमें इसके साथ ही सीने की एक चाप भी है। ये इसका साइड वाला पोर्शन है जो कि दुमची इसमें आती है और इसमें भी ये चाप वाला पोर्शन पूरा है और इसका ये एक और पैर रखा हुआ है। और हम पास से देखेंगे तो ये इसका जो बीच वाला पोर्शन रहता है बकरे का जिससे पूरा ये अटैच रहता है तो वो पीस भी हमारे पास है। इसका बनाने वाले हैं हम मटन कोरमा और इसकी रेसिपी और मसाले भी। ये जो मसाला प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो ये है लहसुन की कली और जिसको हमने पूरी तरह से इसके छिलके भी साफ कर लिए हैं, और हम ये प्याज है जिसको हमने बिल्कुल चॉप ऐसे किया है कि राउंड के लेवल पे इसको चॉप किया है, इस तरह से काटे हैं। और ये है हमारे पास अदरक जो कि हमने इसके छिलके साफ कर लिया है और अभी हम इसके बारीक बारीक टुकड़े करके मिक्सर से इसे ग्राइंड कर लेंगे। और खड़े मसालों में हमारे पास है इसमें तेज पत्ता है और ये मूरछा मसाला जब सब्जी का बढ़ा देंगे तो तब इसमें ये डालेंगे। और ये खड़ा गर्म मसाले को हम पीस के पीसे हुए मसाले की तरह इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हम जो मिर्च यूज़ करने वाले इसमें वो है लाला जी की कश्मीरी मिर्च, तो ये खाली सब्जी को लाल करेगी और तेजपन इसमें नहीं रहेगा, सब्जी का रंग के हिसाब से हम इसमें बोल सकते हैं। और इसके मीट मसाले में हम सुहाना मीट मसाला यूज़ कर रहे हैं जो कि हम स्वाद अनुसार हमने 4-5 पैकेट बुला लिया है तो हम अपने हिसाब से इसको यूज़ करेंगे। तो गाइस हमारा मटन कोरमा हो गया है बनके तैयार और सॉरी इसके लिए कि हम आपको किस रेसिपी से बनाए वो नहीं दिखा सके क्योंकि यार नॉइस इतना ज्यादा था और ये सब खाना बाहर प्रिपरेशन हुआ है इसके लिए हम आपको दिखा नहीं सके। और ये हमारे पास है मटन कोरमे की सब्जी और ये है इसका सालन, ये है हमारे कश्मीरी मिर्च वाला सालन ताकि हमें तेज ना लगे, और ये इसमें और भी ज्यादा ग्रेवी रखी हुई है और ये जो तेज होता है तेज सालन ये पक्की वाली जो कश्मीरी मिर्च है उसका तो ये है, और ये तीखी वाली मिर्च का सालन वो भी हम लेंगे स्वाद अनुसार। और हमारे पास ये है इसके पीस, अगर हम देखना चाहें तो ये इस टाइप से गलाए हैं हमने, ये हल्के हल्के से बस टाइट है, बाकी ये अगर हम इसे यहाँ पे इसको चॉप करके देखें और इसको बारीक करके देखें तो बड़ी आसानी से मखमल की तरह गलाया गया है ताकि ये हमें खाने में अच्छा लगे। और इसका जो आप देख सकते हो कि जो मसालों का टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है, और ये मसाले को टेक्सचर में हम देखेंगे कि हमने इसमें टमाटर की ग्रेवी भी यूज़ किए हैं और ये अलग अलग टाइप के हमारे पास इसमें पीस रखे हैं, जैसे कि ये देखेंगे तो ये सीने का पीस है, ये अलग ही दिख रहा है इसमें चाप, तो देखते हैं और हम इसे करते हैं अब टेस्ट। और ये हमारे पास चावल भी है जो कि है बासमती का राइस जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, तो इसका हम एक निवाला खाकर देखेंगे और कैसा है टेस्ट आपको बताएंगे। तो ये हमने हल्का सा अपने निवाले में ग्रेवी बनाया है, ग्रेवी लगाकर, और ये जो पीस है बड़ी मखमल की तरह टूट रहा है और इसको हम इस टाइप से रोटी में लगाकर और ये इसकी ग्रेवी कुछ मात्रा में अपनी सब्जी पे लगाकर और बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो इसका स्वाद बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, जो मसालों की महक है वो खाते ही हमें मसालों की महक आ रही है, और जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है, और नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार है और लिमिट में रखा गया है और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट लग रहा है। मसालों का टेक्सचर हमारी जबान पे ये जो पीस है इसके टच होते ही मसालों का एक टेक्सचर लग रहा है जैसे कि हम ये पीस को अगर खाते हैं तो पहले मसालों का टेक्सचर जबान पे हल्का सा स्वाद लेके आ रहा है और फिर उसके बाद में मटन की वो महक और बहुत ही जबरदस्त ये कोरमा बना है, तो हम इसे खाते हैं। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो और अगर आप इस रेसिपी के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और लेते हैं अब हम इस खाने का मजा, और आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।